तो दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। कल का तो आपने होपफुल व्लॉग देख लिया होगा, ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है और आज फिर से दोबारा से खाना बनना स्टार्ट हो चुका है अपने किचन में। किचन में खाना क्या बन रहा है आज? बनाने का तो एक चावल खरीद के लाए थे तो चावल ही बनेगा, लेकिन आज जो दो शेफ हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, तो आज कुछ अलग तरीके से बनाने की कोशिश जा रही है। पानी डाल के कुछ तो कर रहे हैं लोग, पता नहीं क्या बनाएंगे, बट चलो देखते हैं। देखो आज हमने क्या किया, सबसे पहले आज हमने डाला मक्खन, आज हमने मक्खन डाला। मक्खन डालने के बाद जो है ना, फिर हमने डाला सोयाबीन, थोड़ा सा फ्राई किया सोयाबीन को। उसके बाद जो हमने गाजर, कॉर्न और आलू डाल दिए। उसके बाद हमने डाल दिए 3 चम्मच मसाले और 1/2 चम्मच नमक। ये सब हमने आज कर दिया, ठीक है। चलो हमें चावल डाल दो। लेकिन हमने नमक ज़्यादा तो नहीं डाल दिया, कल हमारा 2.5 कटोरी चावल था, आज हमारा 2 कटोरी चावल है, नमक 3 चम्मच है। नहीं नहीं नहीं, नमक 3 चम्मच नहीं है, नमक 1/2 चम्मच है। मसाला, मसाले है 3 चम्मच से थोड़ा सा कम। अच्छा चलो जी, चावल डालने की प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। पानी भर के रखो फटाफट, ये लग जाएगा नीचे जल्दी से। चलो जी, चावल सारी चीज़ जा चुकी है इसमें, चावल, सोयाबीन, चलो आलू, गाजर, जो भी हमारे पास अवेलेबल था वो सारी चीज़ हमने डाल दी इसमें। बहुत ही बढ़िया, मसाला, सोयाबीन जो भी हो सकता है। आज मुझे थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है ये बनाते हुए ना, कल तो बिजी थे ना एक्चुअली बनाते टाइम। हाँ ये बात तो सही है। हमें फटाफट पानी डालो इसमें और बस इसको फिर स्टीम होने दो। हमें इसमें कितने चम्मच डालने हैं? वो इसमें कितना डाला है हमने कटोरी पानी, मतलब चावल कितना पानी डाला है हमने? चावल का क्वांटिटी क्या है आज? चावल की क्वांटिटी 2.5 कप। 2.5 कप दिया है चावल भी आज भी 2.5 कटोरी। अरे थोड़ा कम देना चाहिए था, थोड़ा सा कम से कम है। कल से कम है, ठीक है। तो चलो तो 4 कटोरी 5 कटोरी पानी जाएगा आज भी। हाँ 5 कटोरी पानी दे दो। ये देखो अब दिखने में सेक्सी लगता है, बस खाने पर बाकी कार्यक्रम पता चलेगा क्या है। आज देखेंगे कि नीचे वो लग रहा है कि नहीं लग रहा। आज मक्खन डाल दिया ना आपके कहने पे। चलो देखते, मक्खन वाला बिरयानी कौन खाता है यार, गजब है भाई। हमारे पास घी था नहीं तो हमने मक्खन ही डाल दिए। तो लग रहा है जो चीज़ें अवेलेबल होगी वही तो डाली जाएगी। ओके डन हो गया। चलो जी अब इसको रख दो यहाँ, इसको प्लेट उड़ाओ जरा, प्लेट इसका। अब इसको कर देते हैं ऐसे बंद। ये लो जी, खाने का आइटम हो चुका है बंद पैनासोनिक की तरफ से। अब देखते हैं कब तक बनता है ये। इसको नीचे तो करो, ठीक है। तो दोस्तों जब तक हमारे जो राइस है, फ्राइड राइस आप बोलो उनको, बिरयानी बोलो या कुछ भी बोलो, जब तक वो रेडी हो रहा है उससे पहले भूख तो लग रही है, क्योंकि टाइम जो हो रहा है वो हो चुका है 1:00 और यही ब्रेकफास्ट है, यही लंच है। तो उससे पहले अमित भाई जी हमारे लिए क्या लेके आए? ये देखिए एप्पल प्रस्तुत है सेवा में। एप्पल खाओ, इंतज़ार करो और फिर बिरयानी का मजा लो। तो जी खाना अपना बन के हो चुका है रेडी। हमारा जो ये कुकर है इसने कह दिया जी कीप वार्म, कुकिंग डन। तो अब फर्स्ट लुक आप देखना चाहोगे इसका? फर्स्ट लुक दिखाते हैं, आप इधर आओ फिर दिखाते हैं फर्स्ट लुक। नहीं नहीं मैं इधर रहूँगा, ठीक। इधर से व्यू अच्छा आता है, लाइटिंग अच्छी आती है इधर। अमित ये लो, ये अमित जी यहाँ पे खड़े हैं, देखो क्या चाह रहे हैं जीवन में अपने। अमित प्लेट लो और ये और चम्मच करो जी ओपन फटाफट। हैं फटाफट ओपन करते हैं। ये लो जी अनबॉक्सिंग हो रही है। खुल जा शिम शिम, डे टू बिरयानी की अनबॉक्सिंग हो गई। खुल जा शिम शिम हो गया, गर्मा गर्म बिरयानी, मज़ेदार मज़ेदार, शानदार, लाजवाब। वाह ये तो कल से बढ़िया लग रहा है मुझे भाई, कल से मुझे ये थोड़ा सा बढ़िया दिख रहा है। चलो बढ़िया है, धीरे धीरे सुधार आ रहा है। चलो हम लोग नीचे लग गया आज भी। हाँ तो किसी से एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। कुछ नहीं करेगा एक्सपर्ट कि भाई क्या कैसे क्या ऐसा क्या करें जो लगे ना नीचे, फिर भी लगेगा।
बात मेरे लिए इतना बहुत है चावल, इससे ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा मैं, इतना ही खा लो वही बहुत है मेरे लिए। ये भी ज़्यादा ही ज़्यादा। ये है अमित का, अरे गर्मा गर्म दूंगा, ऐसा नहीं सोच सकते आप लोग कि जी खाना हम कहीं और से बना के ला कर दिखा रहे हैं आपको। नहीं नहीं ऐसा क्यों सोचेंगे, लाइव दिखा रहे हैं। ये लो अमित, ये जी प्लेट टू रेडी, देयर इज अ प्लेट थ्री। प्लेट थ्री ये मेरा है। ये लो जी, शेफ का प्लेट बाहर आ चुका है, दही तो लेकर आना चाहिए इसके साथ में आज। शेफ जो है लास्ट वाला खाना खाता है ना जला हुआ, ये देखो। नहीं नहीं जलाओ तो चले जाएगा, कल से ज़्यादा जला है कम जला है बराबर डला है, सेम जला है। तो किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेना पड़ेगा कि भाई खाना जलने के रोकने के लिए क्या करना चाहिए, यूट्यूब पे वीडियो देखना पड़ेगा। चावल लग गए, बहुत सारी चीज़ें लग गई यार, ये क्या चक्कर है समझ नहीं आ रहा मुझे। आज तो मसाला भी नीचे रखा था आपने। हुँ? तो दोस्तों आप लोग ना कमेंट करके बताओ कैसा ऐसा क्या करा जाए इसमें जो चावल ना लगे। नो नो आई एम ओके, आई एम ओके विद दैट, एंजॉय। हमें ही मोटा करवाओगे क्या आप, यू एंजॉय। चलो इसको दे देते हैं, इसको भूख ज़्यादा लगती है। ठीक है चलो जी, अब आज के खाने का टेस्ट आपको बताया जाएगा बाहर महफिल में बैठ के। ये सारा लग गया नीचे, ये सब लग चुका है, घूमने के लिए रख देते हैं अपन। और ये अपने प्लेट्स रेडी हो चुके हैं, अब बाहर बैठते हैं तो दिखाते हैं आपको क्या है खाने का टेस्ट। कल से जो है ना बेटर टेस्ट है इसका, आज मसाला अच्छा डाला है, नमक भी सही है ना। हाँ नमक अच्छा है, मसाला भी अच्छा है, ओवरऑल गुड टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया। आज सच में टेस्ट अच्छा नहीं है, कल से तो बेटर है, मक्खन का भी टेस्ट आ रहा है, मसाला भी है, नमक भी थोड़ा बहुत है। लेकिन मसाला और चाहिए मुझे, ऐसा लग रहा है चम्मच। चलो ओवरऑल सही है, कल से बेटर है, अब कब बनाएंगे फिर बताएंगे आपको कि इसके बाद वाला दिन का कैसा बनता है आइटम। नहीं आप कुछ ना थोड़ा सा सब्जी और वो सब चीज़ें थोड़ा डिफरेंट करेंगे। इसमें ब्रोकली वगैरह डालेंगे, अब थोड़ा इंग्लिश वाला बनाएंगे इसको, थोड़ा इंग्लिश बिरयानी बनाते हैं। अब मसाला लेकर आते हैं अलग से, हरी मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची वाला पाउडर। अच्छा बिल्कुल ही एकदम स्पाइसी। लो जी भाई साहब, खाना खाने के बाद जो है अब आम का सेवन हो रहा है। आम मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, मेरा फेवरेट है आम। मैंने सोचा चलो खा लिया तो कुछ मीठा हो जाए, तो फलों का राजा ले आए हम, तो अब इसका सेवन होगा।